वेलकम टू अल खालिक एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश का पहला चैप्टर हमारा है मेला चिरावा। पेज नंबर 8 पे आपको मेला चिरावा का चैप्टर मिल जाएगा। तमाम बच्चे अपने अपनी बुक्स ओपन कर लें, मैं रीडिंग कर रही हूँ, गौर से सुने। द फेयर फॉर विच लाहौर इज वेल नोन इज मेला चिरावा और द फेयर ऑफ द लैंड्स। इट इज हेल्ड नियर द शालीमार गार्डन। इट बिगिंस ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज अप टू संडे एवरी ईयर। On the last day of the fair, after the sunset, chiraghs are lighted at the shrine of Shah Hussain. This tomb is in Baghpanpura at a distance of a half a kilometer from the Shalimar Garden. The chiraghs are lighted in the mazar, but the fair is held outside. जो मेरा है वो लाहौर में बाकी है, जिसे हम मेरा चिरागा के नाम से जानते हैं, उसे रोशनी का मेला भी कहा जाता है। ये शालीमार गार्डन के करीब है। ये मार्च के आखिरी हफ्ते और इतवार को शुरू होता है और ये हर साल मनाया जाता है। ये ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेयर आफ्टर द सनसेट चिरागा लाइटेड एट द श्राइन ऑफ द शाह हुसैन। ये जो है गुरुदेव आफ्ताब के वक्त चिराग जलाए जाते हैं और जब शाह हुसैन के मजार पे। दिस टॉम इज इन बागपानपुरा एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम द शालीमार गार्डन। ये मकबरा बागपानपुरा में वाक़ है। बागपानपुरा में आधा किलोमीटर शालीमार गार्डन के करीब वाक़ है। द चिराग आर लाइटेड इन द मजार, बट द फेयर इज हेल्ड आउटसाइड। जो चिराग जलते हैं वो मजार में जलते हैं, जो मेला है वो बाहर लगता है। During the fair, the visitor walk the throne narrow street to reach the shrine of the saint. The green dome can be seen from a long distance. Its side fills the devotees with great respect. The devotees stamp their feet to express their delight and passion in the traditional dance called Bhangra. All the areas around seem to be in happy mood. During the fair, the visitors, जो विजिटर्स हैं वो वहाँ पे वॉक करते हैं मज़ार में। द ग्रीन डॉम यानी कि जो उसका गुंबद है ग्रीन, वो दूर से ही नज़र आ जाते हैं। वहाँ पे अकीदतमंद होते हैं। द डिवोर्स सेप्टर फीस यानी कि वो अपना ट्रेडिशनल डांस यानी करते हैं। ऑल द एरिया सराउंड सिंह और वो खुशगवार उसमें मनाए जाते हैं। द श्राइन ऑफ शाह हुसैन पर्टिकुलरली द मजार इज गार्डेड बाय मनक्स एंड डिवोर्स। वहाँ पे अकीदतमंदों का मज़ार में अकीदतमंदों का हजूम होता है। दे केम हियर फ्रॉम फार एंड नियर, जो नज़दीक और दूर से नज़र आता है। द डिवोर्स गो इनसाइड द मजार टू ऑफर फातिहा। अकीदत अंदर जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। दे प्लेस अ चादर ऑफ फ्लावर ऑन इट, और फूलों की चादर चढ़ाते हैं। दे ऑल्सो पुट सम मनी एज नजराना इन द सीड बॉक्स प्लेस नियर बाय, जो वहाँ पे नजराना दिया जाता है सीड बॉक्स में। इट इज़ कर्टियर्ड ऑफ द मजार। देयर इज अ बिग मच फायर विच इज ऑलवेज कीप बर्निंग। सम डिवोर्स थ्रो कैंडल्स इनटू द फायर। इट इंडिकेट्स द फुलफिलमेंट ऑफ देयर मन्नत। वहाँ पे जो सहन होता है मजार का, वहाँ पे आग जलाई जाती है और वहाँ पे वो हमेशा जलती रहती है। शी सम डिवोर्स थ्रो कैंडल्स, और कुछ अकीदतमंद जो है वहाँ पे दिए जलाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपनी कॉपी वर्क की तरफ। कॉपी वर्क क्या करना है आपने सबसे, अब हम आते हैं अपने कॉपी वर्क की तरह। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालनी है ब्लू कलर से, और याद रहे कि आपने ब्लू और ब्लैक कलर के अलावा कोई कलर यूज़ नहीं करना है। पहले आपने फर्स्ट टर्म स्टार्ट की हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपने टॉपिक्स के लिए यानी इंडेक्स बनाना है। ब्लैक कलर से लाइनें ड्रॉ करके आपने सीरियल नंबर, टॉपिक, टीचर सिग्नेचर वगैरह डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो आप चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लैक कलर से ऊपर रेड लाइन के ऊपर चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालनी है, और ब्लू कलर से आपने वो डालनी है हेडिंग डालनी है अपनी। उसके बाद आपने राइटिंग के लिए दोनों तरफ पेजेस के ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ करनी है, और ब्लैक कलर से आपने राइटिंग की हेडिंग डाल के यहाँ से आपने राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपने वर्सिंग करनी है। वर्सिंग के लिए भी आप देख लें जैसे ये कॉपी मेंटेन हुई है, आपने बिल्कुल ऐसे ही कॉपी मेंटेन करनी है। यहाँ पे आप वर्सिंग देख लें, कार्टियार्ड यानी सहन, डॉम गुम्बद, फेयर मेला, फुलफिलमेंट वफा, नैरो करीब, पैशन जज्बा, सनसेट ग्रुप, श्राइन मजार, सील मोहरबन, ट्रेडिशनल रिवाइव। आपने सारी वर्कन आपने वर्सिंग करनी है। उसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन आंसर की तरफ। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और पेंसिल से आपने क्वेश्चन लिखना है। याद रहे हेडिंग आप ब्लू कलर से डालेंगे, क्वेश्चन आप पेंसिल से लिखेंगे। ब्लू कलर से क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और यहाँ पे आपने
पेंसिल से क्वेश्चन लिखना है। इसी तरीके से आंसर नंबर वन ब्लू कलर से लिखे, आंसर आपने पेंसिल से लिखना है। ऐसे ही आपने वन बाय वन सारे क्वेश्चन करने हैं। आपके पास यहाँ पे कितने क्वेश्चन है टोटल, 1 2 3 4 5 फाइव क्वेश्चन आंसर है। आपने वन बाय वन बिल्कुल ऐसे ही करने जैसे आपने वन क्वेश्चन मैंने समझाया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज कैसे करने हैं, आपने पेंसिल से आपने पूरा एमसीक्यूज लिखना है और आपने उसके जो है ऑप्शन लिखने हैं और जो भी आपका आंसर होगा ऊपर ब्लू कलर से आपने टिक कर देना है। वन बाय वन आपने सारे एमसीक्यूज करने हैं। उसके बाद आप ट्रू फॉल्स की तरफ आ जाएँ। सेम आपने पेजेस के दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करनी है और ट्रू फॉल्स करनी है और आपका जो आंसर होगा वो आपने ब्लैक कलर ब्लू कलर से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएँ एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पे आप एक्टिविटी करेंगे। आपके पास एक्टिविटी में क्या है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपने तमाम जो अब आप आ जाए एक्टिविटी की तरफ, आपने एक्टिविटी की हेडिंग डालनी है और आपने यहाँ पे लिखा है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपने वर्ड्स लिखने और अपनी अपनी मतलब अपने अल्फाजों में आपने अपने सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो गया मेरा चिरागन का। और जब आपने ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर, आपने चैप्टर नंबर वन कंप्लीट लिखना है। आपको जो भी ब्लैक कलर से आपने चैप्टर नंबर वन कंप्लीट लिखना है और आपको इस चैप्टर के अंदर जो भी समझ नहीं आई है आप स्कूल हैं और अपने टीचर से सबसे शुक्रिया।